दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रसा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमने PVC पैनल का फ्रेमिंग का वीडियो कल डाला था उसका मैं आपको दिखाऊंगा कि PVC पैनल उस पर किस तरीके से इंस्टॉल किए जाएंगे और पूरा डिज़ाइन बन करके कैसा तैयार जो है वो होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने पूरा फ्रेमिंग जो है वो देख ली थी, इसके पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये 12x13 की एक सीलिंग थी, इसमें पूरे फ्रेमिंग जो है वो की थी। तो फ्रेमिंग कुछ हमारी इस तरीके से बनकर के जो है वो कम्प्लीट हो चुकी थी, जिसमें हमने बॉर्डर दिया था 12x12 इंच पर और बीच में जो हमने सपोर्टें दी थी वो 20x20 इंच जगह छोड़ करके बीच में सपोर्टें हमने दी थी। तो ये तो हमारा पूरा डिज़ाइन जो है वो कम्प्लीट हो चुका था, यानी फ्रेमिंग जो है वो हमारी पूरी तरीके से लोहे के पैरामीटर से हो चुकी थी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से पैनल जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बीच वाला हमारा एरिया है और ये जो जैसे मैंने आपको जगह दिखाई थी ये हमारी 2 फुट की जगह है, यानी 24 इंच की जगह है जिसमें आप छोटे पैनल लगे देख रहे हैं। तो इसमें हमारा कपबोर्ड के लिए इस रूम में जगह जो है छोड़ी गई है, तो इसलिए इसको ऊपर जो है किया गया है। अब बीच वाले पैनल आप देख सकते हैं, तो ये हमारा पैनल आया है दोस्तों 109 इंच का, 109 इंच का हमारा बीच में जो है वो पैनल आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्हाइट वाला पैनल आप देख रहे हैं ये टेक्सचर टाइप डिज़ाइन जो बना हुआ है, तो ये हमारा 109 इंच का पैनल हमारा आया है और हमने इसको पूरा इंस्टॉल जो है वो कर लिया है। देखिए ये मैंने मतलब पूरा इंस्टॉलेशन क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि इससे पहले मैं इस मतलब इसी तरीके के पैनल इंस्टॉल करने की, बीच वाले पैनल इंस्टॉल करने की एक वीडियो पहले जो है वो बना चुका हूँ। तो उस वीडियो को अभी जाकर हमारे चैनल पर आप चेकआउट जो है वो कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी बीच वाले पैनल लगाने की। अब यहाँ पर हमने चारों तरफ में जो है वो जो हमारी यू है लगनी है तो वो हमने लगा दी है और चारों तरफ की अभी साइडें जो है हम भर देंगे। किस तरीके से साइडें भरी जाएंगी वो भी आगे आप देखेंगे। तो पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा फाइनल मतलब बीच वाला जो अप सीलिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा फाइनल जो आ जाता है वो आ जाता है बॉर्डर। तो बॉर्डर को हम कंप्लीट करेंगे, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो 12 इंच का हमारा बॉर्डर बचा रह जाता है, तो इसमें हमारे 15x15 इंच के जो है वो पैनल लगने हैं। तो अब आप पैनल लगते हुए देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहें दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे पूरी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे 15x15 इंच के यहाँ पर जो पैनल हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं ब्राउन कलर के, जो आप देख रहे हैं ये हमारा डार्क ब्राउन कलर का जो है वो पैनल है। तो ये हमारा 15x15 इंच का पैनल जो लग रहा है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में सारा वर्क जो है वो दिखाया जाएगा। लास्ट में पूरा प्रॉपर जो डिज़ाइन बन करके तैयार हुआ है वो भी आपको दिखाया जाएगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहें। जो जगह आप देख रहे हैं खाली, तो यहाँ पर अभी पैनल जो है वो लगने बाकी हैं, जो 15x15 इंच के हमारे पैनल लग रहे हैं वो हमारे लगने बाकी हैं। तो पूरी इंस्टॉलेशन भी मैं बिल्कुल आपके सामने जो है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड से हमारे पैनल जो है वो लगते हुए आ रहे हैं, तो अभी हमें दूसरी साइड से जो पैनल है वो लगाने स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो पैनल आपको लगाना है, तो आपको जो देखिए आपको पैनल पहले कैसे स्टार्ट करना है, जो बॉर्डर वाला पैनल आप स्टार्ट करेंगे तो जो आपने पैनल काटा हुआ है तो उसका पीछे वाला जो एरिया है आपको दीवार से बिल्कुल मिला करके वो एरिया आपको लेना है। चाहे आपका टेपर हल्का सा आए तो उसको टेपर को बाद में निकाल लेना है और उसी तरीके से आपको सारे पैनल जो है वो लगाते हुए चले जाना है, यानी पीछे वाला फेस आपका जो है वो मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो पैनल है आपका तो उसका आगे वाला हिस्सा आप ना देखें, जो आपका पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पर अभी आप पेंच लगाते हुए देख रहे हैं, तो इस वाले हिस्से को हमें बिल्कुल दीवार से पीछे की तरफ सटा करके जो है वो लगाना है। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर अगर थोड़ी जगह बची हुई रह जाती है तो उस टेपर को हमें पीछे से निकाल देना है। तो अब इस तरीके से जो आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख रहे हैं सेम वैसे आपको PVC पैनल जो है वो इंस्टॉल करने हैं। पहले पैनल के आप चारों तरफ दो तरफ या तीन तरफ आप जो है वो जो पेंच है आपके लगा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सारी दीवारें भी जो है वो PVC पैनल से कवर करनी है, तो इसलिए हम सीलिंग में कहीं पर भी पीछे की तरफ यू इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं हम चारों बॉर्डर में कहीं पर भी पीछे की तरफ यू इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसका एक ख़ास रीज़न ये है कि जो हमारी यू आएगी वो हमारे दीवार वाले पैनल की आएगी। अब हमारे बहुत सारे भाई ऐसा कर देते हैं कि वो यू लगा देते हैं दोस्तों, आपके जो सीलिंग वाली पैनल है उसके पीछे भी यू लगा देते हैं और जो दीवार वाले पैनल है उसके उसमें भी यू लगा देते हैं। उससे प्रॉब्लम कहाँ क्या देखने के लिए मिलती है, देखिए उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप ऊपर सीलिंग में भी यू लगाएंगे और नीचे आप दीवार की तरफ से जो पैनल लगाएंगे उसके लिए भी आप यू लगाएंगे, तो दोनों के बीच में थोड़ा गैप जो है वो हमारा दिखाई देता है, जिसकी वजह से पैनल मतलब प्रॉपर फिनिशिंग जो है वो नहीं आ पाती है। अगर आपको प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए, अच्छे से काम आपको करना है या कराना है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब दीवारें हों
दीवारों की ही यू जो है लगेगी। अगर छत के साथ में जो हमारा सीलिंग है वो हो रही है तो छत वाली आप यू ना लगाएं अगर आपको दीवारें करानी है, और अगर आपको दीवारें नहीं करानी है तब आप बिल्कुल 100% पीछे की तरफ यू का इस्तेमाल जो है वो करेंगे, जो एसेसरी होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। यू जो है दोस्तों यू टाइप में एसेसरी होती है जिसको बिडिंग बोलते हैं, तो बिडिंग का आप इस्तेमाल जो है वो करेंगे। जिन भाई को नहीं पता है कि यू या एल क्या चीज़ होती हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, जो यू हम मैं बोल रहा हूं वो बिडिंग होती है, यानी कटिंग वगैरह को पूरी छुपाने के लिए, या जो आगे पीछे पैनल हो जाते हैं वो पूरा उसको कवर करने के लिए, फिनिशिंग के लिए जो एसेसरी इस्तेमाल की जाती है उसको यू बोलते हैं, जो कि पैनल के आगे और पीछे दोनों की तरफ जो है लगाई जाती है। अब यहाँ पर टाइम लैप्स करके मैं थोड़ा आपको वीडियो को जो है वो दिखा देता हूँ पूरा बॉर्डर किस तरीके से किया जाएगा। अब चलिए फाइनल प्राइस के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये रूम है ये है हमारा 12x13 का रूम है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 13.5 से तो आपका स्क्वायर फिट एरिया बनेगा 162 स्क्वायर फिट एरिया आपका जो है वो बन जाएगा, और उसको आप फिर कैलकुलेट करेंगे। सीलिंग का रेट मैं आपको बता रहा हूँ, 162 को आप कैलकुलेट करेंगे 110 से, यानी 162 तो ये मैं इस रूम का बता रहा हूँ आपको। अगर आपका चाहे जो भी रूम हो ठीक है, तो उस रूम के साइज़ को आपको 110 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका प्राइस निकल के आ जाएगा विद मटेरियल सीलिंग का, तो इस हमारे कमरे का खर्च जाकर बैठा है पीवीसी सीलिंग का 17,820 रुपये। बाकी आपकी जो लाइटें आएंगी या लाइट का जो काम होगा वो सारा आपका अलग होगा। पीवीसी पैनल लगाने का आपका 17,820 रुपये इस रूम का खर्च जो है वो आया है, ठीक है। बाकी जो आप मान के चलें कि आपका मान लीजिए 10x10 का रूम है, तो उसमें क्योंकि आपका 100 स्क्वायर फिट एरिया जो है वो बन जाता है, और आपका 110 रुपये के हिसाब में 11 रुपये आपके 10x10 के रूम के बनेंगे। तो वीडियो आपने पूरी देख ली है दोस्तों, अगर प्राइस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप दिल्ली में आप वर्क करा सकते हैं, दिल्ली नोएडा गाज़ियाबाद में आप वर्क जो है वो करा सकते हैं अगर वहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो इस वीडियो में आपको मिली होगी। अब लास्ट में मैं आपको फाइनल डिज़ाइन जो है वो भी दिखा देता हूँ। और दोस्तों अगर इंस्टेंटली आपको रिप्लाई चाहिए, अगर किसी वजह से हमारी मतलब कॉल रिसीव नहीं की जाती है आपकी, तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करें। इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं वो टेलीग्राम पर मैसेज करें या फॉलो करें वहाँ पर, और जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके मैसेज जो है वो कर सकते हैं, और प्राइस वगैरह के बारे में डिस्कस जो कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि हम बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो वहाँ पर भी अपलोड करते रहते हैं, तो नए से नए डिज़ाइन देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर भी हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा फाइनल सीलिंग जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है, इसमें स्ट्रिप लाइट वगैरह भी जो है वो लग चुकी है। अब ये डिज़ाइन आप देख कर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।